ये हम शिवाजी पार्क के बगल में यहाँ पर बस थोड़ी सी दूरी पे हैं बाबा साहब के जो परिनिर्वाण स्थली है, और यहाँ पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, देखिए लोग दर्शन करके आ रहे हैं या नहीं करके आ रहे हैं, हम थोड़ी सी यहाँ के कुछ पब्लिक से अभी जानकारी लेते हैं। तो इस समय यहाँ पर जहाँ लाखों लाखों की भीड़ रहती थी, और यहाँ पर इस समय भीड़ तो है नहीं, लेकिन इन लोगों की पीड़ा समझने की कोशिश करता हूँ। ये बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं और आज यहाँ पर दर्शन करके लौटे हैं या अभी जा रहे हैं दर्शन करने? जी हाँ, दर्शन तो नहीं हुआ हमारा, मेरा नाम संतोष शिंदे, मैं औरंगाबाद से हूँ। अहमदाबाद से? औरंगाबाद। औरंगाबाद? अच्छा, औरंगाबाद। हाँ, देखिए लोग आज यहाँ पर कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो ये कैसे दुख का दिन है आज का, हम बाबा साहब को लाखों लाखों की जहाँ भीड़ होती थी यहाँ पर, कोई इधर प्रशासन की कोई भी तैयारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना कोई लोगों के रहने की व्यवस्था ना कुछ ही। अच्छा, करके इसके वजह से ज़रा इस बार हम नाराज़ हो गए प्रशासन के ऊपर। देखिए यहाँ पर आप सर कहाँ से हैं? चैत भूमि में आए थे। यहाँ पर देखिए, और मैं आगे भी दिखा रहा हूँ आपको, अभी आगे दिखाने की और कोशिश कर रहा हूँ। और ये देखिए यहाँ पर भी धीरे धीरे पब्लिक की थोड़ी बहुत भीड़ बढ़ रही है। क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, बोलो। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ। हाँ बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहती हैं? मराठी में चलेगा ना? कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ कि यहाँ पे जहाँ हिंदी चैनल है ना, दे बोलायचं तर खूप सारं काही आहे आपल्याला। आज हा 6 डिसेंबर वर्षांपासून आपण इथे बाबासाहेबांच्या अनुयायी। नाम क्या है? नाम मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष सौ शीतल बनसोडे आहे दिव्यामधून। तर आज मी इथे खास यासाठी आली होती बघण्यासाठी की बऱ्याच काही मी टीव्हीवरती अशा प्रकारे न्यूज बघितल्या की आमचा हा 6 डिसेंबर या चैत्यभूमीवरती आम्हालाच येण्यासाठी इथे खूप साऱ्या बंधनकारक आम्हाला केलेलं आहे, आणि बरीच लोक लांबून लांबून इथं येतात, 3-3, 4-4 दिवसाचा इथे त्यांचा स्थान असतो। पण ह्यांच्या खाण्यापिण्यापासून ह्यांच्या राहण्याच्यासुद्धा ह्यांच्या पाणी पिण्याच्यासुद्धा, आणि एवढंच नसून तर ह्यांच्या बुक स्टॉलसुद्धा लावण्यासाठी या सरकारने बंधनं घातलेली आहेत। त्यावेळेस ह्यांचे बंधनं कुठं गेले होते, त्यावेळेस ह्यांचा कोविड कुठं गेला होता, ज्यावेळेस ह्यांच्या यात्रा, ह्यांचे गणपती उत्सव, ह्यांचे नवरात्र, ह्या सगळ्या काही गोष्टी चालल्या त्यावेळेस ह्यांचं नवरात्र नव्हतं। पण आता आमचा 6 डिसेंबर आणि भीमा कोरेगाव आला की मग ह्यांना कोविड दिसतो, ह्यांना मोठमोठे आजार येतात। तर हे आणि हे फक्त लक्षण एवढंच दिसून येत आहे की हे मनुवाद्यांचं लक्षण आहे, दुसरं काही नाही। आता एवढ्या साऱ्या 3 दिवसांपासून आपण वारंवार ह्यांना चेतावणी दिली होती की बाबा आमची लोकं इथं नतमस्तक करायला आल्याशिवाय राहणार नाही, त्यांची तुम्ही सोय करा। तरीसुद्धा ह्यांनी काही सोय केलेली नाही आमच्या इकडच्या नागरिकांची, या भारतातल्या नागरिकांची। अहो महाराष्ट्रामधले एवढे सारे नागरिक इथं आलेत पण त्यांना पाण्यापासून वंचित ठेवलेलं ह्या लोकांनी, ना खाण्यापिण्याच्या नाही ना बाथरूमाचीसुद्धा सोय केलेली नाही आहे व्यवस्थित, आणि फक्त आम्हाला सांगतात की मास्क लावा आणि हे करा आणि ते करा। चाललंय काय हे सगळं? हां, हे सगळं चाललंय काय? आणि आमची लोक तिथं त्या गेटपर्यंत जायला सुद्धा आम्हाला बंधनकारक करतात आहे। हां, हे एवढं सगळं बंधनकारक करणं हे कुठंतरी आम्हाला योग्य वाटत नाही। आम्ही भीमाच्या अनुयायी आहोत, भीमाच्या वाघिनी आहोत, आम्हाला किती जरी बंधनं ठेवली तरी आम्ही येणार तिथे आणि वर्षानुवर्ष येणार आम्ही, आम्हाला कोणी अडवू शकणार नाही। देखिए यहाँ पर सरकार के द्वारा ना तो पानी की सुविधा ना शौचालय की सुविधा है, ये यहाँ पर आने वाले लोगों को तकलीफ हो रही है। अगर सरकार ये इस तरह का सुविधा नहीं करना था तो इनका कहना है कि हम लोग हमारे सामाजिक संगठन लोग ये सुविधा कर सकते थे और ये व्यवस्था बना सकते थे। अच्छा, यहाँ पर देखिए बाहर के लोग कुछ बोलना चाहते हैं, क्या बोलेंगे? हाँ, मैं टिटवाला से आया हूँ। जो बाबा साहेब ने सबको जगह दिया है वो जगह हमको नहीं मिल सकती क्या इधर? हाँ, ये इतना मनुवादी इतना गहरा जाएगा क्या? और जब हम लोग जय भीम वाले सब उठेंगे तो
या ऐसा नहीं होता, मगर जेपी मोर्गन को समझता है सबको, इतना समझता है कि बाबा साहब ने उनको देन दिया है कि सब ये भारत सबका है, तो ये उसका सुविधा करना चाहिए था कम से कम बैठने के। तो बच्चों बाल बच्चे इतने लंबे जा रहे हैं। आपके भी कहना सही बात है, बैठने की सुविधा होनी चाहिए थे, और धीरे धीरे भीड़ यहाँ पर बढ़ रही है।